तदर्थ कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयोजक एवं प्रदेश कर्मचारी परिसंघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर दबाव की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। धर्मशाला में उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कर्मचारियों पर दबाव बनाकर बांटने का हमेशा प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने हमेशा कर्मचारियों को क्षेत्रवाद के नाम पर बांटने का काम किया, जिसका खामियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ा। विनोद कुमार ने कहा कि पूर्व के मुख्यमंत्री कर्मचारी हितेशी नहीं थे और न ही कर्मचारियों के हितों की रक्षा की, जिस कारण कर्मचारी निराश रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावों के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों के वोट बैंक का इस्तेमाल करने के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद उन्हें दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं। जयराम ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों पर भाजपा सरकार कभी भी दबाव नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने संघ को आश्वासन दिया है कि सरकार पूरे समन्वय के साथ कर्मचारियों से मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि आजकल प्रदेश में महासंघ के चुनाव बिना किसी दबाव के करवाए जा रहे हैं, जिससे महासंघ को बढ़िया समिति मिलेगी। पूर्व की सरकार में महासंघ को अपने चुनावों में ही सरकार का दबाव झेलना पड़ता था। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश कर्मचारियों को जो वेतनमान आज भी पंजाब की तर्ज पर दिया जा रहा है, प्रदेश कर्मचारी महासंघ चुनावों के बाद सरकार से मांग करेगा कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर एक समान वेतनमान दिया जाए। राष्ट्रीय पेंशन योजना, पुरानी पेंशन की बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर भी सरकार से बातचीत की जाएगी। पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार में कर्मचारियों पर दबाव की राजनीति की जाती रही है और कांग्रेस सरकार ने हमेशा कर्मचारियों के ऊपर कर्मचारी नेता को थोपा है। यही कारण रहा है हमेशा कि कर्मचारी महासंघ के माध्यम से भी सरकारें कर्मचारी उत्पीड़न करती रही है, जबकि होना ये चाहिए कि जो कर्मचारी अपना नेता चुने सरकार उसको मान्यता दे। पूर्व में ऐसा नहीं होता रहा है और वर्तमान जयराम सरकार की नीति और नियत इस मामले में बड़ी साफ है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के संगठन में उनके कार्यक्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई दबाव की राजनीति नहीं होगी, इसलिए उनका कर्मचारी हितैषी होने का एक स्पष्ट प्रमाण दिख रहा है। और हमको लगता है कि ये आने वाले समय में सरकार और कर्मचारियों के बीच में एक बेहतर समन्वय बनेगा, जिस प्रकार से जयराम सरकार ने अपनी नीति को स्पष्ट किया है। उसको लेकर उन्होंने हाल ही में कई आर्थिक मांगें पूरी की है कर्मचारियों की, और पूर्व में कर्मचारियों का उत्पीड़न हुआ है, पूरी व्यवस्था को तैयारियों के हवाले कर दिया गया था। ये सारे कारण हैं और जो आज उससे व्यवस्था बदली है, तो इससे ये लगता है कि अब कर्मचारी महासंघ की दिशा और दशा ही बदलनी चाहिए। उसको लेकर ये एक बड़े खुले मन से चुनाव हो रहे हैं और अब लगता है कि जिस प्रकार से कर्मचारी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं बिना किसी राजनीतिक दबाव के और बिना किसी भय के, मतलब ये स्पष्ट है कि कर्मचारियों को उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और कर्मचारियों की मांगे जेसीसी के माध्यम से सरकार से हल होगी, ताकि सरकार और कर्मचारियों के बीच में बेहतर समन्वय बने और जयराम सरकार का जो कर्मचारी हितैषी की जो नीति है वो मतलब उसका लाभ दो तरफ मिले। इसमें निस्संदेह राजनीतिक पार्टियां हमेशा कर्मचारियों को वोट बैंक की दृष्टि से इस्तेमाल करती रही है और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी क्षेत्र एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, बुद्धिजीवी वर्ग है, परंतु इनको तोड़ने का काम भी बहुत समय तक चलता रहा है। और जबकि दबाव की राजनीति करके सरकार को इसका नुकसान भी कई बार हुआ है, हम और कर्मचारियों को इसका नुकसान हुआ है, और आगे के लिए ऐसा ना हो, एक बेहतर समन्वय बने, कर्मचारियों का मान सम्मान बहाल हो, कर्मचारियों की जो मतलब एक उनका समाज के अंदर जो एक उनका स्थान है वो भी उनको मिले और सब उनको समान नजर से देखे और किसका उत्पीड़न ना हो, इस पर काम करेंगे। कांग्रेस सरकार के हार के पीछे का कारण यही है कि जो कर्मचारियों की अनदेखी करनी है। निस्संदेह आपने देखा होगा जब जब भी वीरभद्र मुख्यमंत्री बने हैं तो एक क्षेत्रवाद की राजनीति ने जन्म लिया है हमेशा प्रदेश के अंदर, और वो जबरन एक क्षेत्र विशेष के कर्मचारी नेता को थोप देते थे कर्मचारियों के ऊपर और वो फिर मनमर्जी करते थे, उत्पीड़न करते थे और उसका खमियाजा उन्होंने भुगता है। परंतु आगे से ये राजनीति कर्मचारी क्षेत्र में ना आए, ये खत्म हो, कर्मचारी निर्भय मतलब एक बिना किसी डर भय के काम करें, सरकार की नीतियों पर काम करें, सरकार का सहयोग करें और सरकार हमारा सहयोग करे, इस पर काम करेंगे।